पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंद्रिय अनाज मंडी का जायजा लिया, वहीं किसानों ने अपनी दयनीय हालात के बारे में उन्हें जानकारी भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पहले धान खरीद के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की थी, उसके बाद 1 अक्टूबर की तारीख रखी गई, जबकि हाइब्रिड वैरायटी सितंबर महीने में ही पककर तैयार हो जाती है, लेकिन 1 तारीख को सरकार ने नया फरमान जारी कर 11 अक्टूबर से धान खरीद की तारीख तय की है। किसानों ने जब मजबूरी में सीएम आवास का घेराव किया तो धान खरीद 3 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन मंडी में धान की हालत देखिए, अभी तक भी कोई भी सरकारी नुमाइंदा धान खरीद के लिए नहीं पहुंचा है। अभी तक तो सरकार की तैयारियां भी नहीं हुई है, जब पूरी तैयारियां होंगी तो धान को एकदम से सरकार कैसे कंट्रोल कर पाएगी। मंडी के बाहर कोसों तक ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइनें लग जाएंगी, ये सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। अनाउंसमेंट मैंने सुनी थी कि मैं 25 तारीख से शुरू कराएंगे, फिर 25 से 1 को कर दी, 1 से 11 कर दी, और इस बात से किसानों में बड़ा भारी रोष, और ये बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंची। खैर, उन्होंने मुखिया शुरू किया, परचेज का ऑर्डर दे दिया, मैंने कल पढ़ा कि परचेज करेंगे, लेकिन परचेज तो शुरू नहीं हुई अभी, खाली बातों में। ये तो जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है, और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ, जो ये कंडीशन आई है, इसमें पहले 33 क्विंटल 1 एकड़ पर खरीद होती थी, अब वो घटा के 25 कर दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान अपनी धान के पकने के तुरंत बाद काटेगा और तुरंत मंडी में लेकर आएगा। कोई अगर मंडी के गेट पर किसान को रोकता है तो जबरदस्ती मंडी में किसानों को घुसने के लिए भी उन्हें कहा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बोलती है कि किसानों को तारीख बताएंगे कि किस दिन फसल लेकर आनी है, और 1 किले में से सिर्फ 25 क्विंटल खरीदेंगे। सरकार अपने ये दोनों फैसले वापस ले और शराफत से हमारा धान खरीद ले, वरना किसान एक बार फिर से सड़कों को जाम करने को मजबूर होंगे। पता नहीं ये सरकार क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है, इन्होंने किसानों को परेशान करने का ठेका ले लिया है। अब की बार एक तो 25 क्विंटल की कैप लगा दी है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान बिकेगी, जबकि हरियाणा में पिछले साल 33 क्विंटल का जो था वो ऑर्डर था, 33 क्विंटल पिछले साल पर एकड़ खरीदी थी। और दूसरा ये कर दिया है कि अब आपको सरकार बताएगी कि आप किस दिन धान कटवाना। ये इतने डल अधिकारी, इतने पता नहीं कैसे लोग इन्होंने बैठा दिए हैं कुर्सियों के ऊपर, जिनको पता ही नहीं कुछ जमीन के बारे, अब वो धान सरकार की तरीके से पकेगी क्या। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला आज कैथल की अनाज मंडी पहुंचे, वहां धान को लेकर आए किसान मजदूर और आढ़तियों से मिल उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आए दिन नए नए षड्यंत्रकारी मंसूबों से किसानों के पेट पर लात मारना अब सरकार की फितरत बन गई है। पहले धान खरीद टाली, अब नमी में छूट न देकर किसानों की रोजी रोटी पर हमला कर रहे हैं। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी थी, लाखों क्विंटल धान 20 सितंबर से ही मंडियों में आना शुरू हो गया। इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक फूटी कौड़ी धान की MSP पर सरकारी खरीद नहीं हुई है। फैसला देखें, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें ये लिखा है ना आप पंचायती चुनाव मुलतवी कर सकते और ना आप निकाय चुनाव मुलतवी कर सकते। फिर तो कल ये MLA MP के चुनाव भी नहीं करवाएंगे, कहेंगे हम ही रहेंगे भैया, चुनाव उनाव नहीं करवाएंगे, वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। क्योंकि अगर संविधान में, माफ कीजिए, अगर संविधान में MLA अगर संविधान से बनता है तो सरपंच भी चुनाव से संविधान से बनता है, मेंबर पंचायत भी संविधान से बनता है, नगर पालिका का सदस्य भी संविधान से बनता है। ये कोई कानून में नहीं बने हुए लोग, ये संविधानिक पोस्टें हैं सारी।
करनाल में अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। डीसी निशांत कुमार यादव ने मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले की सभी मंडियों और क्रय केंद्र पर खरीद शुरू हो गई है। फसल में नमी की मात्रा अधिक होने की वजह से खरीद कम है। नियमानुसार 17% नमी होनी चाहिए। जिले में कुल 238 राइस मिल है, जिनमें से करीब 40 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और वहीं कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू हो गई है। रविवार होने के बावजूद भी पोर्टल को खोला गया, किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया की जा रही है और उसके बाद धान की खरीदारी की जा रही है। हालांकि गेट पास के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।